This video is sponsored by Pixtoons Animation Studio. For yummy foods and adventurous trips, subscribe Yummy Food Path. Yummy Food and Path channel पर आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे गढ़वाल की, यानी स्वाद और सेहत का खजाना। देवभूमि के तौर पर गढ़वाल इंडो आर्यन और इंडो ईरानी सभ्यता का मेल है। ये मेल इसकी संस्कृति से लेकर खान पान की आदतों तक हर जगह देखने को मिलता है। बात चाहे शाक सब्जी की हो या मांसाहार की, सादा लेकिन पौष्टिक खान पान यहाँ की ज़रूरत भी है और पहचान भी। एक नज़र गढ़वाल के कुछ खास और प्रचलित पकवान और व्यंजनों पर। भांग की चटनी। आप अगर गढ़वाल में हैं और चाहे किसी भी तरह का भोजन कर रहे हैं, भांग की चटनी इसे और स्वादिष्ट बनाती है। इसका खट्टा नमकीन तीखा फ्लेवर सभी तरह के पराठे और मंडवे की रोटी के साथ ज़बरदस्त स्वाद देता है। गहत के पराठे। सुबह के नाश्ते के लिए गहत की दाल पराठे गढ़वाल में ऑल टाइम फेवरेट है। तासीर से गर्म गहत पहाड़ी मौसम के लिहाज से भी लाभदायक है। भांग की चटनी के साथ इसका स्वाद निखर जाता है। लोग गहत की दाल को भूनकर भी खाना पसंद करते हैं। पराठे बनाने के लिए इसे पीस कर स्टफ करते हैं। आमतौर पर इसके लिए मंडवे के आटे का इस्तेमाल होता है। जखिया में भुने हुए चावल। गढ़वाल में लोग रोटी के मुकाबले चावल को कहीं ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, खासकर जखिया में भुने हुए चावल। यहाँ आम दिन के साथ ही त्योहारों में खूब पसंद किए जाते हैं। सरसों की ही तरह दिखने वाला ये एक तरह का बीज है। चावल बनने के बाद इसे जखिया के साथ भुना जाता है। ये चावल को स्वादिष्ट बनाने के साथ ही कुरकुरा बना देता है। आलू का झोल। हालांकि ये गढ़वाल की स्पेशलिटी है, लेकिन इसे देश भर में कहीं भी आसानी से बनाया जा सकता है। मुख्य रूप से इसमें आलू और टमाटर का इस्तेमाल होता है और सब्जी पकाने के क्रम में गाढ़ी कढ़ी रखी जाती है, जबकि इसे बनाने के क्रम में आलू को उबालकर मैश कर दिया जाता है, साथ ही टमाटर को भी बारीक काटकर डाला जाता है। काफली। कुमाऊं में काप या कापा भी बोला जाता है। पालक से बनने वाला ये व्यंजन यूँ तो साग की तरह बनता है, लेकिन इसमें पालक के पत्तों को पूरी तरह मैश ना करके सामान ही रखा जाता है। इसके लिए पत्ते को अच्छी तरह धोकर बस तब तक उबाला जाता है जब तक कि पूरी तरह पक ना जाए। सर्दी के मौसम में ये गढ़वाल का एक पारंपरिक और लोकप्रिय व्यंजन है। फाड़ू का साग। इसमें गहत दाल को पीसकर गाढ़ा पकाया जाता है। इसके पानी का रस का ख्याल रखा जाता है इसका पानी का खास ख्याल रखा जाता है। ये जितनी गाढ़ी बने उतना बेहतर। जब पीसी हुई गहत अच्छी से गाढ़ी हो जाए, तब उसमें बारीक टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन आदि डालकर इसे अच्छी तरह पकाया जाता है। बाड़ी। इसे बनाने के लिए मंडवे के आटे में नमक, लाल मिर्च मिलाकर हलवे की तरह गाढ़ा पकाया जाता है। गढ़वाल में अधिकतर पकवान और व्यंजन बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल होता है। बाड़ी बनाने के लिए खास तौर पर इसी कढ़ाई का प्रयोग किया जाता है। चैसो। इसमें उड़द और भट्ट के दाल को पीसकर गाढ़ा पकाया जाता है। इसके स्वाद में इजाफा के लिए बारीक टमाटर, प्याज, अदरक का पेस्ट बनाकर खूब पकाया जाता है। ये दिन के खाने के तौर पर खूब पसंद किया जाता है। अरसा। शादी ब्याह के मौसम में इसे खास तौर पर बनाया जाता है। इसके लिए चावल को पीसकर आटे की शक्ल दी जाती है, फिर गुड़ को पिघलाकर इसमें मिलाया जाता है और बिस्किट के आकार का तेल घी में फ्राई किया जाता है। गढ़वाल का ये एक पारंपरिक मीठा पकवान है। सिंगाउड़ी। इसके लिए दूध को जलाकर मावा बनाया जाता है, फिर इसे पान के पत्ते में सजाकर परोसा जाता है। ये श्रीनगर गढ़वाल में खूब प्रचलित है। काचमौली। सर्द मौसम के कारण गढ़वाल में नॉनवेज को खूब पसंद किया जाता है। मटन से बनने वाला काचमौली खूब तीखा और मसालेदार होता है। इसके लिए मटन को पहले खूब भुना जाता है। आमतौर दुकानों में पहले से ही भुना हुआ मटन मिलता है। इसमें ग्रेवी को कम रखा जाता है।